क्या बात है। ए भैया, जैसे आप लोगों ने हर बिरहा हर गाना का हमरे दुलार प्यार देलन, हमके आशा नाई विश्वास बा केहू बिरहा का आप लोगन जरूर पसंद करबा, दुलार प्यार अपन बनोले रहबा। ए खाती हम ओम प्रकाश यादव आप लोगन के बहुत बहुत आभारी बानी। ए बिरहा कम शीर्षक रखले बानी कुदरत की करिश्मा, और हमेशा ही हमार सोच होला कि अपना हर बिरहा में कोनो न कोनो एक नया बिरहा के कहानी में मोड़ दी। हमारो और हमार कवि का यहे हमेशा दिमाग में रहेला कि हम लोग जो नया गीत गाते हैं, कोई नया मार्केट में गाना दिए तो समाज में एक बिरहा जो हम गा रहे हैं वो एक संदेश के रूप में जाए और उस कहानी में एक नया मोड़ हो। ए बिरहा कम शीर्षक रखले बानी कुदरत की करिश्मा। ध्यान दिहन, आज के कलयुग में 100% में 90% लोग गलत ही बणन। देखल जाए तो 10% लोग सही मिलियन, 10% जो उन लोग सही बणन आज वही लोगन के ऊपर आकाश और धरती टिकल बा, वो लोगन के बदौलत। तो आज भी ऊपर वाला के महिमा जरूर कुछ बा। हम आप गलती करत पानी जा, ये हमनी के सोचत है जा कि केहू देखत नहीं खे, लेकिन केहू नहीं खे देखत, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, मालिक देखता है। इसी पर ये कहानी लिखी गई है बाबू, और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि नूतन कहानियां द्वारा ये कहानी प्रकाशित हुई थी, और मजबूर होकर के इस कहानी को बिरहा के रूप में हमको देना पड़ा। चार लाइन कवि जी भूमिका लिखे हैं क्या, कि माफ करता खुदा ना किसी को कभी, चाहे रंग करा जाए साधु सन्यासी, पार पाया नहीं जुल्म करके कोई, लग गई आखिरी वक्त गर्दन में फांसी। अरे मूर्ख मन में जरा सोच लो, ये झूठा है दुनिया का सारा झमेला, कोई अपना पराया यहाँ पर नहीं, कर देता भ्रमित सबको माया कमेला। यहाँ एक लाइन तर्ज दिल गई मास्टर, गजल का लाइन बा, का गजल का लाइन बा, यह तरज हो कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब बेटा।
जाते वक्त मुट्ठी में, अरे जाते वक्त मुट्ठी में अधेला पड़ा, जाते वक्त ये हाथों में अधेला पड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन गाना के अंदर भाव बाका कि लाख होगा इरादा तेरा खोखला, लाख होगा इरादा तेरा खोखला, होता हरदम खुदा का सही फैसला, होगा इरादा तेरा खोखला, जियो बता दिया जिया। तनी बात समझ ला बिरहा हमारे एकदम साफ साफ समझ में चलिए, जैसे शीशा में सूरत लौकेला वही तरह हमार बिरहा साफ साफ हर इंसान के जे सुनी ओकरा दिल में समा जाए। कहानी कहाँ कबा बिरहा कहाँ कबा, यहीं से बिरहा का कहानी का शुरुआत हो गई। नजम के लाइन में कवि जी दिहल न का बलिया में मेला ददरी महान लगा था, दर दर की धारा धाम पर नहान लगा था, नर नार दूर दूर से मेला में आए थे, साधु भी गंगा तट पर धुई रमाए थे, सीरी सीरी 1008 की उपाधि में भजन में लीन रामदास जी समाधि में, प्रवचन कर रहे एक रोज ओ अचानक ही, प्रवचन कर रहे एक रोज ओ अचानक ही, घटना घट गई उस वक्त तो भयानक ही, आंखों में आंसू कैसा कारण तो बता दीजिए, आंखों में आंसू कैसा कारण तो बता दीजिए, व्यथा की कथा सारी सब लोगों को सुना दीजिए। तनी बात समझ ला बतौली की बिरहा एकदम समझ में आ जाए सबके। उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर बलिया में ददरी मेला लगल, वह ददरी मेला लागल हो, दूर दूर के लोग ददरी मेला में आयल हुन, साधु संत का समाज भी आयल बा। ओ साधु संत में एक साधु जी आई रहलन जवन की अपन जोग रमा के और शाम सुबह प्रवचन करे, उनकर नाम का रहे साधु जी का जैसन वो पत्रिका में लिखल है नूतन कहानियां में, वो साधु जी का नाम रहे रामदास। डेली प्रवचन शाम सुबह करे मेला में आ अपने जगह पर अपने आसन जहां वो लगौले रहे वही आसन लगा के प्रवचन करें और
लोग बड़ा प्यार से उनके प्रवचन के सुने। एक दिन शाम को वक्त बा रामदास जी प्रवचन करत हुन, अचानक बाबू एक घटना घट गई। प्रवचन करते करते ओ महात्मा रामदास जी अचानक पुक्का फार करके रोने लगे। अवाक, सभी लोग अवाक हो गए, हाथ जोड़कर सभी लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि बाबा रोज आप प्रवचन करते थे, ऐसी घटना नहीं घटती थी, लेकिन बात क्या है, कारण क्या है कि आज प्रवचन करते करते आप रो पड़े। साधु जी रामदास जी सबको बैठाए हैं और बोल पड़े, तर्ज बा का तर्ज का लाइन बा मास्टर बढ़ गया था, माई बहन बड़ा प्यार से गीत गावे लिन ब्याहे में, जब माड़ोड़ छवाला था वो समय गई हैं। माई कहली बेटी नियर बियाह बो, माई कहली बेटी नियर बियाह बो, भैया कहले बड़ी दूर हो, लेकिन हमारे बिरहा का भाव दिल गई पन्ना। वृंदावन मथुरा की बतिया पूरन की हो, अब उस साधु जी रामदास बतावे लगलन कि आप लोग ही जानल चाहते हो कि हमारे आंख से आंसू कहे आये, हम काहे रोए लगली। प्रवचन करत करत तो वो कहानी बतावे लगलन कि बैठा लोग सुना लोग हम बतावत बानी कि हम काहे रोए लगली। सब लोग बैठल हुन, जितना प्रवचन सुनत हुए लोग बड़ा ध्यान से सुनत हुए कि आखिर बाबा के आंख में आंसू कहे आए। तब बाबा रोते रोते बतावत हुए, वृंदावन मथुरा की बतिया पुराना की हो, वृंदावन मथुरा की बतिया पुराना की हो, जलस करे जावा के फार हो, मतरिया के दुई ठेला लनवा रहले दुर्गा मतरिया के, पड़ गईली एक दिन बीमार हो, राम लखन दोनों अखिया के तारावा हो, लिहली बोलाई माई अपना नियारावा हो, बड़का से कहे बेटा छोटका बीरानावा के, बड़का से कहे बेटा छोटका बीरानावा के, तोहरे पर सगरी भार हो, साधु जी अब वहां से अपन कहानी शुरू कैलन कि हम यही से आंख में हमरा आंसू आ गई कि एगो हमके कहानी याद आ गई। साधु जी कहलन कि एगो हमके बात याद आ गई। सब लोग उत्सुकता से पूछलन कि बाबा महाराज जी कौन बात आपके याद आ गई कि उ बात के याद करके आप रोवे लगली। कहलन कि देखा लोग
मथुरा जिला में वृंदावन और वही वृंदावन में एगो दुर्गा नाम के औरत रहत रहली। उनका दू गो लड़का रहलन, बड़ा लड़का का नाम राम और छोटा लड़का का नाम लखन रखले रहली। बड़ा प्यार से बड़ा लड़का का उम्र नूतन कहानियां में बतावल गई 12 बरिस और छोटका लड़का का उम्र छोटका भैया का लखन का ओके 8 बरिस इहे उम्र बतावल गई जिसे नूतन कहानियों में प्रमाण मिलल बाबू। अचानक भगवान के मर्जी एक दिन दुर्गा राम लखन के मातारी बीमार पड़लिन है। अब बीमार पड़लिन दोनों भाई गांव घर से कुछ पैसा कौड़ी लेके हर और बहुत दवा करौलन भैया, बहुत चारों ओर देखौलन, लेकिन माई को रोग जौन होखल है वो ठीक नहीं भई। एक दिन वो स्थिति आ गई कि वो माई ये दुनिया के छोड़ के जाए वाली हो गई। समझ गई दुर्गा की अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, मरण सेज की सेज पर पड़ी है। एक बेटा बड़का लड़का राम जोन बा माई के मुर्तारी बैठल बा रोता, छोटका लड़का लखन माई के पैर से उगरावता। उस समय दुर्गा बड़का लड़का के आंखी के सोजा बुलौली कहली, आंख के सोजा कह के कहली कि सुना बेटा राम तू सबसे बड़ बड़ा, तार छोट भाई बाएगो आ देखा अब हम बचबना, अब हम बचबना, एक काम करिया बेटा कि हमरे मर गईले पर अपना छोटका भाई लखन के भाई या बेटा दोनों को प्यार दिया, यही के बेटा भी समझिए कि भाई भी समझिया, यही कह करके वो दुर्गा इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। प्राण पखेरु उड़ गए, मां की लाश पर गिर करके दोनों छोटे छोटे बच्चे अपने मां की लाश पर गिर कर रो रहे हैं। गांव घर के लोग जुटल बड़न, सब कहत बा कि बा अरे भगवान का तुहू गरीबन खातिर ये लिखेला, लेकिन दोनों लड़कवा रोत हूं और दोनों लड़का रो के वो बात कहलन, का कहलन बाबू ये रो के कहलन, रोत हूं और कहत हूं कि हमारी माई हो, हमारी माई हो कहाँ गईलू हमन के बिसराय, हमारे माई हो के छाती रोवे नैना नीर बहाई, ए बाबू पीट पीट के छाती रोवे नैना नीर, जिंदगी क्या नाम धारा में, जिंदगी क्या नाम हमारी माजी, अरे हमारी माजी कहाँ गईलू
माई हो। दोनों लड़का लाश पगिर के रोए थोन बाबू, लेकिन गांव बड़ा अच्छा गांव रहे, गांव के लोग बहुत सुंदर रहलन, समाज अच्छा रहे वहां का, गांव घर के लोग दोनों लड़कन के माई के लाश पर से हटा के पूरा गांव घर मदद कर और ओ दुर्गा का लाश ले जाके श्मशान घाट में ओ बड़का भैया के हाथ से अंतिम दाह संस्कार लोग करवौलन। और अंतिम दाह संस्कार करके जौन हिंदू धर्म के रीति रिवाज होला ओ के अनुसार 13 दिन पति रही कही के आ लोग बितौलन। दोनों भाई राम लखन कभी गांव के लोग सहारा बन गईलन, सब लोग कुछ न कुछ मदद कर लगल, दोनों भाई जिये लगलन। धीरे धीरे बड़का भैया राम जौन हुन आज 22 वर्ष के हो गईलन। जब 22 वर्ष के हो गए गांव के लोग सोचे लगलन कि अरे यार राम लखन बेचारे मतारी मर गए छोटे पर, आ अगर बड़का भाई राम अब सियान हो चल बा, अगर एकर कहीं शादी हो जाए तो एकर घर द्वार बस जाए। गांव घर के लोग मिल के राम के ब्याह भी करवा दिहलन वही गांव के बगले के गांव में। एक थे बड़ा सुंदर लड़की रहे सीता, सीता लड़की के नाम रहे, आ जोड़ी भी बड़ा सुंदर लगल राम सीता का। सीता नाम के लड़की से शादी हो गल, आ जब शादी हो गई लो समय के बाद मिलल का बाबू यह तरज बा, ये हमरे एगो कैसेट का गीत बा, कैसेट का नाम रहल बोलिए में जान बा। बहुत आप लोगन प्यार दुलार दिले रहला ए गीत का, गौले रहली जा हम और कविता की स्मृति मिलके का गौले रहली कि भैया भौजी घर में सूते, अरे भैया भौजी घर में सूते, हम सुतिया गानावा नितियो नयावे जगले, नितियो नयावे जगले हो जलाबी लेकिन हमरे विरहा का भाव कवि जी दिहलन। आज सीता अपने ससुराल में राम के दुल्हिन बन के आई बड़ी, आ जब राम के दुल्हिन बन के अली सुहाग रात का रात बा, आज सुहाग रात के वो अपन सुहाग घर सजावत आड़ी, काहे कि घर में तक केहू बा ना दूसर, अब तो वह एगो बाड़ी एगो छोट देवर लखन बाड़न। वो समय का भाव मिलल का सीता बनी के आईली घर में, सीता बनी के आईली घर में, राम की गुजारिया लगली सजावे हो गोरी, लगली सजावे हो गोरी सुहाग किसे जारिया लगली सहा, सुहाग
बिताने के लिए राम गया है अपनी दुल्हन सीता के पास, लेकिन बाबू सेज पर जाता है, घूंघट लटकाई बैठी है सेज पर राम की दुल्हन। जाकर के सेज पर बैठता है और घूंघट हटाकर कहता है कि सुनो सीता, तू मेरी पत्नी हो, मैं शादी करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन गांव समाज के लोगों का दबाव पड़ा, मैं शादी तो कर लिया। आज ओके बात याद आवता माई वाली कि माई मरे के बेरी हमरा के का कहले रहे, कवि जी भाव लिखलन है, माई वाली बेधेल बतिया बीबी से बोलत बाटे, बीबी से बोलत बाटे, कह के उजी करिया छोटा का बीरा नवा के जनी हो, छोटा का बीरा नवा के जनी हो, आँखी के पुतरिया छोटा का बीरा नवा के जनी हो। ए बाबू अपने पत्नी सीता का राम समझावत हो उनकी, देखा ब्याह हो गई तो हमार पत्नी बन गई लू, हम तुहार पति हैं, लेकिन एगो बात जिंदगी में याद रखिए कि माई जब हमार मरे लागल ते छोटका बबुआ के लखन के हाथ हमारा हाथ में दे के कहलस कि बाबू हम अब जी अब ना मर जाए, लेकिन एगो बात हमार याद कल कि ये छोटका भाई के अपना बेटा या भाई से कम मत समझिए, तो हमारा खाती वो भाई भी बा बेटा भी बा, ते काम करिया सीता कि हमारा भाई के कभी कोनो चीज के दिक्कत ना हो के चाहे, कबो कोनो चीज का दुख ना होके के चाहे, आंखी में बसा के भाई के रखी है, अपन सब कुछ सुनत हो सीता, देवर का दुलार करत रह, लेकिन समय बाबूजी परिवर्तन कैसे होला, धीरे धीरे समय बीतल, आज राम के शरीर से सीता के एक पुत्र का प्राप्ति भइल बा, ओ समय बात मिलल का तरज बा, का तरज के लाइन बा मास्टर बढ़ के दा, फिल्म काला पत्थर से लिहल गई, काला पत्थर में एक नगमा बका कि अरे हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवा हो, बड़ा सुंदर बात कवि जी लिखलन हाँ कि गोदिया में भैले हाई, गोदिया में भैले ललनवा खुशी में नाचे लमनवा हो, भयल का अरसिला साली ससुरारी से आईली, सिला साली ससुरारी से आईली, देखी लखन के फिदा हो में नाचे लमनवा हो।
समझ लिया। जब राम के लड़का भैल बाबू देख रेख करे खातिर कुछ दिन तक संहारे खातिर उनकर साली अली शीला नाव जेकर पत्रिका में बतावल गई, शीला नौए खतरनाक होला हमारा जमा त शीला नाव के लड़की आइल राम के जो साली लागत रहे माने उनका मेहरारू सीता के बहिन लागत रहे, बड़ा चुलबुली टाइप के रहे, संहारे आई रही कि चल के दीदिया के संहार लड़का भैल बा। नतीजा ही निकलल कि जब लखन के देखली राम के छोटका भाई के तब उनकर मन 61-62 होके लागल अली संहारे खातिर लेकिन खुद ना समर्प होली, मन एने उने गड़बड़ाए लगल डोरा फेंके लगली लखन पर, लेकिन लखन बहुत सीधा साधा संस्कारिक लड़का था, नकार दिया, बोल दिया कि देखिए शीला जी जो आप सोचती हैं वो जिंदगी में कभी नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि आप भैया की साली हैं, आप हमारे घर की मेहमान हैं, आप मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान जैसा रहिए। बनी गई अब तो शीला सोचलस कि लाई जतियो कोई लई कहो न भई, पोलवो खुल गई कि हम कैसन हई आ कुछ होखबो न कही आ कहीं जाके 10 लोग से बतेबो करी, अब देख त्रिया चरित्रम दैबो न जाने, ओसे से त्रिया चरित्र उ शीला नाव के लड़की लगो लेबे आ कैले काबे बाबू। कियो हीरे बतिया पर ए बाबू बजर कैलस छतिया के आ बड़की बहिनिया के फूके लागल कनावा, बाची नई जतिया के थतिया घरावा में आ झूठा ही लगावे लगली लखन पर लछनावा, बड़की बहिन मतलब राम के औरत से आपन कान फूके लगल कलश की दीदी हमके गांव में पहुंचा दा, कहली सीता की का बात बाभी ऐलू है जाए के कहतड़ू ऐलू संहारे खातिर आ तुरते जाए के कहतड़ू का बात बा, कलश की दीदी हमें घर में रहब तो शायद हमारी इज्जत ना रह पाई, तार देवर जौन बाणन लखन उनकर गलत विचार हो गई बा और बुरा निगाह से हमके देखत हुन, जेहर जातानी ओहर बोली टू बोली बोलत हुन, तैसे निकवा के हमके घरे पहुंचा दा, हमार इज्जत ना रही है घर में रहब ता इज्जत के मोल बहुत होला। बहिनिया का बात लग गई, राम के औरत कलश की ओकर हिम्मत कि तारा पर बुरा नजर गाड़ावत बा, बाबू इतना तक कान फुकलस शीला अपने बड़की बहन के इतना तक कान फुकलस कलश की बहिनी ई घर में रही ताफते करी, आखिर अंजाम निकलल का बाबू। बतिया के मानी लिहाली बतिया के मानी लिहाली ए भैया मनवा मैठानी लिहाली, अलगली बनावे दोनों मिली के जो जानावा
दोनों बहिन मिल गई और मिलला के मतलब कि दोनों बहिन एक लाइन पर खड़ा हो गई और बड़की बहनिया कह दिलस कि जब ऐसा बात बात तो शिला ऐसा काम कल जाओ कि बांस रही न बसुरी नौ रही आ न तोरा पर बुरा नजर डाली आ न हमारा में आधा का हिस्सेदार बनी। बड़की बहनिया सीता राम के औरत के दिमाग में आ गई आखिर उहे दोनों बहन मिल के कह दिलिन जवन की ना करे के चाहिए कैलिन है का कि खानावा में माहूरा ए भैया खानावा में माहूरा मिलाई के खियाई दिहाली आ छुटी गईल बचावा के आल्हर परानावा शाम को लखन घर पर आता है दोनों मिलकर योजना बद्ध योजना के अनुसार उसके खाना में जहर लोग मिलाती हैं पॉइजन। लखन क्या जानता है खाया खाते ही थोड़े देर के बाद तबीयत बिगड़ने लगी आखिर कितना हूं उपचार हुआ कोई समझ नहीं पाया। बड़का भाई बहुत दौड़ धूप के हर से हर कोशिश कैलन लेकिन छोटका भाई नहीं बचल छोटा भाई इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गया कि राम के छोटका भैया लखन मर गए। राम के छोटका भैया लखन के अचानक तबीयत खराब हुई एक बाइक पता ना का भैलू मर गए। कवि को टेरी के अंदर भाव देना पड़ा क्या अरे भैया ई मनवा पातर पानी से भइल पानी से भइल वसुधा बिलख उठल बेढारे नीरग गनावा आखिरकार गांव घर के लोगों ने मिल करके अंतिम दाह संस्कार किया लखन का। लेकिन आगे होता है क्या बाबू विधि के आगे चली नहीं चतुरैया भैया यज जल में ए बाबू विधि के आगे चली नहीं चतुरैया भैया यज जल में डूब जाई जिंदगी के बोझल नैया भैया यज जल में ए बाबू कहल गई बा कि करनी के फल अपन लोग जाले पाई हो अले के जन्म लखन फेरू गई ले आई हो बाकिर बिरगुन हो गई समैया भैया यध जल में भइल बीमारी हो वेली दवैया भैया यध जल में तनी बात समझ ला नतीजा निकलल का इस साफ साफ उस नूतन कहानियां किताब में बात लिखी गई थी। साधु जी समझा रहे हैं वो ददरी के मेला लागल बा वो मेला में साधु जी सब लोग के बतावत हों कहानी कि लखन
जौन बा मरी गई, दोनों बहिन मिला के जहर दे दिली सन खा के मर गई। लेकिन कुदरत का करिश्मा कहल जाए कि उहे लखन फिर कुछ दिन के बाद, दो चार बरिस के बाद राम के लड़का बन के जन्मल। उसकी दूसरी जन्म राम के औरत सीता के गर्भ से हुआ, बेटा बनकर राम का बेटा बनकर के जन्मता है। एक बरिस, दो बरिस, तीन बरिस, चार बरिस, पांच बरिस बीत गई। कहल जाला ना कि हो नहार बलवान के हो तो चिकने पात, दिन दुनी रात चौगुनी राम के दूसर का लड़का बढ़त जाता। नाम रखल गई गौरी शंकर। पांच वरिष के लड़का नाम रखल गई बाओ लड़का के गौरी शंकर। आ उ लड़का पांच वरिष के बाद अचानक बीमार पड़ा। अचानक बीमार पड़ल बा, लाख दावा दारू करावे लगलन राम छोटका लड़का के। डेढ़ दो साल तक दवाई करोन, मतलब दो साल तक दवाई करोन, तब पांच या दू सात वरिष के लड़का हो गई। कहीं ओकरा रोग का पता न चले, लेकिन बाबू अंततो गतवा भइल का। अल्लाह के लाइन दिहल गई, कवि जी बड़ा सुंदर बात लिखलन कि कुदरत के खेलिया आप, हाँ आप कुदरत की खेलिया आप, गजब दुनिया में बाबू लागे ना लागे वाला सकम ना हो पाया, ठीक ना दवाइया से होला होरिला बाबू, पीट पीट छाती रोवा असिया बहा लखनऊ सहारिया में होवली दवैया भैया, साफ साफ बात डॉक्टर दिहल चिरे बताया, ओपन सराजरी से ऑपरेशन नहीं कर होई, ओपन सर्जरी से ऑपरेशन नहीं कर होई, लखनऊ शहर के अंदर राम अपने दूसरे बेटा को ले जाकर के दावा करा रहा था। बाबा कुछ दिन तक दावा कराया, वहां के डॉक्टर साहब बता दिया कि देखो राम इस बच्चा को बचाना है तो इसका ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, और ओपन सर्जरी में बहुत पैसे की जरूरत है, तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाओ, वहां ओपन सर्जरी हो जाएगा और तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। राम अपने छोटा बेटा को लेकर के गौरी शंकर को और दिल्ली के अंदर आया। दिल्ली का डॉक्टर कहा कि ओपन सर्जरी हो जाएगा लेकिन पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जो आधा जमीन था अपने परिवार का, इसका बपौती जमीन राम का 20 बीघा जमीन था, 20 बीघा में 10 बीघा जमीन दावा दारू में बेच दिया बच्चा को ठीक करने के लिए। आज होखल का बाबूजी ओपन सर्जरी हो गई दिल्ली में, लेकिन सदर अल्लाह के भाव दिहल गिल का कि डॉक्टर कहला बाटे 10 लाख के बखरा चाप, हम जानवा बचाए भैया जमा कर ले, हम जानवा बचाए
खले भैले आवाकरम कुछ ना बुझाए बाबू बात आप लोगन के एकदम समझ में आ जाए। वो लड़का के ऑपरेशन भई एकदम सो रहा ना, वो लड़का 7 वर्ष की लड़का कंप्लीट हो गई, ठीक हो गई। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद एकदम ठीक हो गई, खाए पिए लागल। अचानक राम बैठा था, राम की औरत थी सीता और राम की साली भी थी शीला, वो भी सुन करके आ गई थी। परिवार पूरा बैठल बा, अचानक वो लड़का बेड पर उठल बा, अब बैठ गई बा, अब बैठ के लागल हंसे, इतना जोर जोर से हंसे लागल कि सब लोग अवाक हो गई। बात का हो गई, दौड़ के नजदीक जा करके राम जो है अपने बेटा को उठाता है गोद में, और गोद में लेके पूछत हुन कि का होखल बाबू, कैसन का बात बा, कहे इतना सतड़ा। तब वो अचानक लड़िकवा रोए लगल और रोई के एगो बात कहता अपना बाबू से, राम से। का कहता कि भैया भैया कह के, बाबू भैया भैया कह के रोवे सिया भाई हो। अरे दिहली सन पपिनिया, दिहली सन पपिनिया जहाँ रवा खियाई हो, दिहली सन पपिनिया उठवलन। वो 7 वर्ष के गौरी शंकर अपने लड़का के, का भइल बाबू कहे इतना सतड़, का भइल का भइल। लड़का लगल रोवे अब बाबू के छाती से लिपट के, अब वो राम के बाबू ना कह के भैया कहत बा, कहलस कि भैया है जौन दोनों बैठल बाड़ी सन इहे हमारा संगे गद्दारी कई। अचानक उस 7 वर्ष के गौरी शंकर का पूर्व जन्म याद आने लगा। देखें भगवान की माया, कुदरत की करिश्मा, पूर्व जन्म याद आया, उसे ज्ञान खुला और सारी बीती हुई बात बताता है कि भैया तू हमार बाबू ए जन्म में भैला, लेकिन ओ जन्म में तू हमार भाई रहला, तुहार हम छोट भाई रहली, लेकिन ही जवन दोनों बाड़ी सन हमारे साथ गद्दारी कैली सन, आमरा के खाना में जहर मिरा के दोनों बहिन हमार जान ले लेली सन। इतना ही कह करके वो लड़का अचानक उस राम की गोद से निकला और बेड पर बैठा, बेड पर बैठते ही गिरता है और गिरते ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, प्राण पखेरु उड़ गए, आवाक आवाक हो गया राम लड़का को लेकर के, रो रहा है। एक तरफ भाई छोटा सा लखन याद आ रहा है, तो एक तरफ उसकी औरत और उसकी साली सामने बैठी थी, उन लोगों पर नजर डालता है। लेकिन राम अंतिम दास संस्कार लड़का के कैलन, आ कैला के बाद भयल का बाबूजी इतने कह के छूटी गई कंठ से परनवा, भैला बैरागी राम ताजी के भवनावा, लिहले कंठी माला हाथ तहिया से उठाई हो, दिहली सन पपिनिया जहाँ रवा खियाई हो, दिहली सन पपिनिया
महात्मा जी रामदास जी कहानी पूरी बतौलन प्रवचन जे भी सुनत रहे एक बार आंख से आंसू छलक पड़ल। कवि जी भाव दिहलन है गाना के अंतिम लाइन में कि फाटी गई छाती सबके सुनते कहानी छोड़ल शरीर साधु भैली गलानी फैसला खुदा का नहीं होला एक जाई हो आदिहली सन पपिनिया ए भैया दिहली सन पपिनिया जहाँ रवा खियाई हो दिहली सन पपिनिया वही रामदास लोगों से बताए जितने प्रवचन सुनते थे लोग सुन रहे थे लोग सब लोग सुन रहे थे और वही बताए कि वही राम बड़ा भाई उस लड़का को दे करके अंतिम दाह संस्कार करके और उसके मन में वैराग हुआ त्याग दिया घर परिवार मोह माया सब को त्याग करके सोच गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और ये दुनिया नश्वर है एक दिन मरना है। बैराग दिल में उठता है और घर द्वार परिवार छोड़ करके अपना आज वही राम रामदास बन गया। यह बात हमके याद आके हमारे आंखी में आंसू आ गई है। आज उहे राम हवन आज रामदास के रूप में हमके लोग सब जानत है। राम दूसर के ना रामदास दूसर के ना रहलन उहे बड़का भैया राम रहलन। आज महात्मा श्री श्री 1008 श्री रामदास के नाम से विख्यात भैलन। अपन परिचय बतौलन कहलन कि ये लोग ए भगत लोग हम ही वो बड़का भाई राम हैं। आज रामदास के नाम से दुनिया हमके जानेला। आ यही बात पर हमारा आँख से आंसू आ गई कि आज बीतल बात हमके याद आ गई। इतना सोच में डूब गए कि बाबू नूतन कहानियां पत्रिका में साफ लिखा गया था कि उसी ददरी मेला में यही कहते कहते वो रामदास मंच पर ही गिर पड़े और अचानक लोग उठा करके ले गए हॉस्पिटल बलिया हॉस्पिटल में तो पता चला कि उनका हार्ट अटैक हो गया था। उनका अटैक आ गया हार्ट अटैक हो गया और वो रामदास भी इसी ददरी के मेला उत्तर प्रदेश के बलिया में इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। फिर साधु महात्माओं को जब पता चला है बाबू अपने रीति रिवाज के अनुसार उन रामदास को जल समाधि दी गई है ये प्रमाण मिला नूतन कहानियां में। गाना का अंतिम लाइन रहा जय जखाण गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश है फूल मितवा अनुज निसार अब मत करना तू भूल भैल अरे मनवा पातर पानी से भैल तेजन ओम प्रकाश अब खुल गई नया नवा मनवा पातर पानी से भैल भैया